सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर आज पूरी काशी ही शिवमय हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर देर रात से ही लाइन लगने लगी थी। लाइन में खड़े होकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा के दर्शन हो और वो बाबा का जलाभिषेक करें। दर्शन ही करने आए थे भगवान के, हो गए। और लाइन में लगी थी और सुबह 5 बजे समथिंग खड़े आए थे यहाँ पे। व्यवस्था तो अच्छी खासी है, ये आईटीबीपी वालों को अगर वहाँ लगा दिया तो कुछ करप्शन कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी कोटा कुछ ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। एक हिसाब से देखिए तो 500 रुपये पर हेड वीआईपी कोटे से ले जाकर तुरंत दिखाया वो करा दे रहे हैं, दर्शन करा दे रहे हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो लाइन में ऐसे ही खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं। ठीक है, तो करप्शन को थोड़ा कम कीजिए, बाकी दर्शन तो भगवान अपने आप ही दे देंगे, घर पर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ वकीट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आज सावन का पहला सोमवार है और आप देखिए कि भक्तों का रेला बहुत लंबा लग चुका है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा मंदिर का जो रास्ता जाने वाला है वहीं से बांस फाटक का गेट नंबर 1 बनाया गया है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ शिव भक्तों का प्रवेश किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद शिव भक्तों को जाने की अनुमति मिली है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिव भक्त इतने भक्ति में लीन है कि आपको बता दें कि देर रात से लाइन में लगे हुए हैं ये शिव भक्त। आप ये नज़ारा खुद देखिए कि जहाँ तक आपकी आंखें आपकी पलकें जाएंगी तो सिर्फ लाइनें ही दिखेंगी, शिव भक्त ही दिखेंगे। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जो कणकण में शिव बसते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं, और ये लाइनें अभी टूटने वाली नहीं है, ये लाइनें शाम तक चलने वाली हैं। हम और भी शिव भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? अम्बाला। अम्बाला कब से लाइन में लगे हुए हैं? 5:30 बजे से। हर हर महादेव। अभी आए भी है। अरे जय बोले। तो ये देर रात से लगे हुए लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ से शिव भक्त जा रहे हैं तो आप दूसरी तरफ ये देखेंगे कि शिव भक्त इधर से आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा एकदम बेहतरीन व्यवस्था किया गया है कि कोई भी भक्तों का किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट, नमस्कार। हर तरफ शिव भक्त हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लगाते नजर आए। गोदलिया से लेकर चौक तक लंबी लाइन देखने को मिली। हर वर्ष काशी में श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने दूर दराज से शिव भक्त कावड़ यात्रा लेकर भी आते हैं, मगर कोरोना महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इस बार कावड़ यात्रा को राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है। मेरा नाम सुप्रिया भाई और मैं किन्नर समाज से सबको प्रणाम करती हूँ। और मैं इस एरिया की मैं पिंकी माई की चेला हूँ, पोती चेला, जो दशाश्वमेध की गुरु हूँ। क्या है आज? आज तो पर्व है काशी विश्वनाथ जी का, जो सावन का पर्व है, हम लोग जल चढ़ाने आए हुए हैं। हाँ, हो गया, मतलब अच्छा दर्शन हुआ, अच्छी व्यवस्थाएं हुए और अच्छे सब कुछ था। वही यादव बंधुओं ने सावन के पहले सोमवार को सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा निभाई। परंपरा अनुसार यादव बंधुओं द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया गया। परंपरा के तहत हर वर्ष हजारों यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं, मगर इस वर्ष प्रशासन ने केवल 11 यादव बंधुओं को ही जलाभिषेक की अनुमति दी। हमारा जो जलाभिषेक है, हम लोग गौरी केदारेश्वर पर एकत्रित हुए हैं, वहाँ से जल भरकर हम लोग गौरी केदारेश्वर को जलाभिषेक किए। उपरांत वहाँ पर हमने फिर जल भरा, जल भरने के बाद तिल भांडेश्वर हम लोग जलाभिषेक किए। अब यहाँ से हम लोग उठकर आयलेश्वर महादेव, मान मंदिर घाट, माता शीतला, बड़ी शीतला, दशाश्वमेध घाट, फिर वहाँ से जल भर के सिंह द्वार द्वारा डेढ़सी के पुल से हम लोग ढूंढराज गड़े होते हुए बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करेंगे। इसलिए नहीं ऐसा ने गिरफ्तार नहीं किए, प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हमारी प्रशासन लगी है। और पर जो लोग फालतू जैसे अगल बगल देख रहे हैं आप, और उसमें फोटो में पता लगा ये चंद्रवंशी के हैं, ये चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के जो लोग हैं, प्रशासन ने हमारे सुरक्षा व्यवस्था में, ये लगभग हमारे 11 आदमी का है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे हमारा देश विश्व गुरु हो, कोरोना मुक्त हो, पूरे विश्व से कोरोना खत्म हो। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा और मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा व्यवस्था व भक्तों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव समुद्र मंथन से निकला विष पीकर सृष्टि की रक्षा किए थे। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है।
देखिए श्रावण माह का पहला सोमवार है और कोविड गाइडलाइन के दृष्टिगत कांवड़ यात्रियों का आवागमन नहीं हो रहा है। स्थानीय श्रद्धालु मात्र यहाँ पे आए हुए हैं। मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा पूरा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है पूरा लगा हुआ है। CPMF, PSC और बाकी हमारे सारे अधिकारी और उस पूरे थाने के सारे कर्मचारी लग करके बिल्कुल सुचारू रूप से दर्शन और सारा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, आंकड़े अभी तक आंकड़े कोई नहीं है। बाकी भीड़ विगत वर्षों की अपेक्षा कम है और बाहर के कांवड़ यात्री नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें हैं जो कि लगातार अनाउंस कर रही हैं लाउड हेलर से और हम सभी लोग लग करके लगातार लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं इस बारे में। आज सावन का फर्स्ट सोमवार है जिसके लिए काशी का धरोहर पर हम लोग हैं और ये काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, बहुत ही भव्य मूर्ति है और जैसा कि आज सावन है इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा भी, लेकिन गाइडलाइंस भी बहुत अच्छे हैं, प्रशासन भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग अब गाइडलाइंस अच्छा कर रहे हैं। लाइन भी अच्छे से है और दर्शन करने में मात्र समय नहीं लगा हम लोग को, दर्शन करने में लाइन ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा, लेकिन हाँ था, लेकिन सभी लोग मास्क के साथ थे, गाइडलाइंस सभी अच्छे थे और प्रॉपर सभी लोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन सभी लोग अपने आप की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।